से हैं दोस्तों आप सब, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI वेरिएंट। गाड़ी का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीट फ्रंट से लुक वाइट कलर में। फ्रंट में यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश में ग्रिल मिल जाती है, सुजुकी का लोगो मिलता है, एंड ये इसकी स्मोक्ड आउट हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट। नीचे की तरफ क्रोम गार्निश मिल जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर टर्न इंडिकेटर बल्ब मिल जाते हैं विद पार्किंग लाइट। और ये गाड़ी का है कंप्लीट फ्रंट से लुक, और 7,30,000 रुपीज़ जो है गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइसिंग है इस पर्टिकुलर वेरिएंट की। और हर सिटी में जो ऑन रोड प्राइस है वो ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी नीचे फॉग लाइट आप लोगों को लगाने के लिए स्पेस मिल जाता है यहाँ पर। और ये है गाड़ी का कंप्लीट साइड से लुक मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट का। कंप्लीट बोनट में नया डिजाइन मिल जाता है, एंड ये गाड़ी के वाइपर एंड वॉशर्स, एंड कुछ इस तरीके की आप लोगों को जो गाड़ी की लेंथ है लगभग 3.8 मीटर की देखने को मिल जाती है लेंथ गाड़ी के अंदर। एंड सेफ्टी के अंदर 6 एयरबैग्स, ABS, EVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ये सारे फीचर्स मारुति स्टैंडर्ड ऑफर करता है मारुति सुजुकी स्विफ्ट के बेस वेरिएंट से ही। एंड साइड में आप लोगों को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के 14 इंच के स्टील रिम विद व्हील कैप। आगे डिस्क एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। बॉडी कलर यहाँ पर ORVM मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर, और यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसके ORVM को इलेक्ट्रॉनिकली अंदर से। और बॉडी कलर डोर हैंडल मिलते हैं गाड़ी के अंदर, ब्लैक एंड बी पिलर मिलता है, ब्लैक एंड यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पिलर दिया गया, और ऊपर की तरफ नॉर्मल पोल टाइप एंटीना मिलता है यहाँ पर। एंड ये कंप्लीट है बैक से लुक गाड़ी का। पीछे भी कंप्लीट आप लोगों को ऑल न्यू इसके अंदर LED लाइट्स मिल जाती हैं जो इसकी टेल लाइट्स है, और पुरानी वाली कुछ इस तरीके की देखने को मिलती थी, और नई वाली की आप लोग देख सकते हैं डिजाइन काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट देखने को मिलती है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर के साथ। ऊपर की तरफ इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, रियर डिफॉगर यहाँ पर आप दे दिया जो कि पहले VXI वेरिएंट के अंदर नहीं आता था। एंड 37 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है गाड़ी के अंदर यहाँ पर। एंड ये कंप्लीट लुक है गाड़ी का ओवरऑल, स्विफ्ट की बैजिंग। और नीचे की तरफ यहाँ पर मिलता है इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है यहाँ पर। बूट ओपन करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 265 लीटर का बूट स्पेस देती है मारुति स्विफ्ट के अंदर। एंड इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है एक स्पेयर व्हील जो कि 14 इंच का ये स्टील रिम विद टूल किट। यहाँ पर हुक्स वगैरह मिल जाते हैं, बूट में कहीं भी यहाँ पर लाइट नहीं मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। पार्सल ट्रे मिल जाती है, रियर सीट को फोल्ड कर सकते हैं आप लोग ज़्यादा लगेज रखने के लिए गाड़ी के अंदर। और आइए अब गाड़ी के पीछे के पैसेंजर सीट गेट का आप लोगों को मैं लोग ओपन करके दिखाता हूँ यहाँ पर गाड़ी का। तो सबसे बड़ा चेंज जो पुरानी स्विफ्ट से किया है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डोर हैंडल ऊपर की तरफ आता था, और अब जो है यहाँ पर डोर में दे दिया है। और मारुति जो है ये कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन से इंस्पायर होकर इस तरीके का डिजाइन वापस आया है, और ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के पीछे के पैसेंजर सीट गेट का लुक। डोर की ओपनिंग वगैरह आप लोग देख सकते हैं, गाड़ी में अंदर जाने या बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कुछ इस तरीके कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर ट्रिम देखने को मिलता है, यहाँ हार्ड प्लास्टिक दिया गया। पीछे की नीचे की तरफ पावर विंडो की कंट्रोल, क्रोम फिनिश में डोर हैंडल, बॉटल होल्डर के लिए स्पेस, और स्पीकर दिया गया है वहां पर। और ऐसे कुछ दिखती है गाड़ी के रियर की सीट्स, कुछ इस तरीके की फैब्रिक अपॉल्सी में सीट्स मिल जाती हैं। और यहां पर जो है अंदर फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड का लुक पीछे की सीट से। बाकी पीछे की सीट में यहाँ पर दो लोग एडजस्ट, मतलब तीन लोग एडजस्ट होके बैठ सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नी में दो लोग ही यहाँ पर आराम से लॉन्ग जर्नी कर सकते हैं। बाकी बीच में उतना हम्प नहीं है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही साथ रियर सीट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रंट की सीट दी गई है वो भी स्कूप्ड आउट मिल जाती है, तो यहाँ पर लेगरूम वगैरह उसके कारण थोड़ा सा और बेहतर दे दिया गया है। बाकी हेडरूम वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती 6 फीट तक के पर्सन को। और VXI वेरिएंट है तो यहाँ पर जो हेडरेस्ट दिए गए हैं गाड़ी के अंदर वो भी आप लोगों को फिक्स ही मिलते हैं। टॉप वेरिएंट में आप लोगों को हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, और ये फ्रंट डैशबोर्ड का लुक है पीछे की सीट से मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट का, जो कि इसका काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है। ये बेसिकली वो वेरिएंट है जो कस्टमर्स नहीं चाहते अपनी गाड़ी को आफ्टर मार्केट जाके म्यूजिक सिस्टम लगवाना या कुछ भी करवाना, तो उसमें आप लोगों को यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। बाकी अब LXI भी जो है काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गया, क्योंकि 6 एयरबैग, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को बेस वेरिएंट से स्विफ्ट में ऑफर कर रहा है मारुति। एंड ग्लास एरिया वगैरह जो है वो भी गाड़ी में काफी अच्छा दिया गया, तो अंदर बैठने के बाद क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता यहाँ पर। और ये जो फैब्रिक अपहोल्स्ट्री की सीट्स दी गई हैं वो भी काफी कंफर्टेबल हैं। रिक्लाइन एंगल आप लोगों को डिसेंट देखने को मिलता है अगर सेगमेंट से कंपेयर करें। 3 पॉइंट सीट बेल्ट यहाँ पर प्रोवाइड करें गाड़ी के अंदर मारुति ने। एंड यहाँ पर एयरबैग्स वगैरह की बैजिंग मिल जाती है,
यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और अच्छी बात क्या है कि ये सॉफ्ट से ऊपर जाता है, मतलब एकदम से बसता नहीं ऊपर जाके। तो ये सब काफी अच्छी चीजें करी है मारुति ने गाड़ी के अंदर। तो चलिए अब गाड़ी का आप लोगों को मैं ड्राइवर सीट गेट का लोग ओपन करके दिखा देता हूँ। एंड ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के ड्राइवर साइड गेट का लुक। फ्रंट के डोर्स में यहाँ पर आप लोगों को सॉफ्ट टच फैब्रिक का यहाँ पर टच दिया गया। बाकी ऑल फोर पावर विंडो की कंट्रोल, ड्राइवर साइड विद ऑटो अप एंड ऑटो डाउन, यहाँ से डोर अनलॉक लॉक कर सकते हैं, विंडो लॉक लॉक कर सकते हैं, और ORBMs को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा उनको। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाते हैं, और ये कम्प्लीट डैशबोर्ड का लुक है। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड डिजाइन देखने को मिलता है। ओवरऑल ऐसी कुछ सीट्स मिल जाती हैं। यहाँ पर जो सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आएगी ड्राइवर साइड सीट, लेकिन रिक्लाइन और स्लाइड हो जाएगी। ऐसे कुछ पेडल्स देखने को मिलते हैं प्रॉपर डैश पैडल के साथ। चलिए मैं गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ। यहाँ पर जो गाड़ी की एसी की कूलिंग वगैरह दी गई है वो यहाँ पर काफी अच्छी मिलती है। और बेस वेरिएंट से आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है गाड़ी के अंदर। एंड ये है दोस्तों इसका कंप्लीट ऑल न्यू इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। राइट साइड में स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में आरपीएम मीटर, और बीच में MID मिल जाती है यहाँ पर गाड़ी के अंदर। जहाँ पर ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिस्टेंस टू MT, इंजन कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल लेवल, ये सारी चीजें आप लोगों को शो कर देगा। आउटसाइड टेम्परेचर और कई सारी वार्निंग लाइट्स के साथ। और उसको अगर आप लोगों को ब्राउज कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर दो नॉब्स दिए गए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उससे आप लोग उसको कंप्लीट ब्राउज थ्रू कर सकते हैं। ऑल ब्लैक फिनिश में इंटीरियर मिलता है। और आपकी अगर हाइट अच्छी तो गाड़ी में अंदर बैठने के बाद जो कि पहले नहीं होता था, बोनट भी अब दिखाई देता है यहाँ पर। और ये कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक आप लोगों को मटेरियल का यूज किया गया है यहाँ पर डोर के अंदर, और जो इंटीरियर है उसमें भी ये आप लोग देख सकते हैं। एंड कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट डिजाइन मिलता है अगर ओल्ड स्विफ्ट से कंपेयर करें इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के अंदर गाड़ी में। कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है यहाँ पर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, ब्लूटूथ एंड फोन के कंट्रोल मिलते हैं गाड़ी के अंदर। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आप लोगों को वाइपर एंड वॉशर के कंट्रोल दिए गए। पीछे वाइपर नहीं आएगा इस वेरिएंट के अंदर। और यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं। आइडियल स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिलता है बेहतर एवरेज के लिए। हेडलाइट का लेवल एडजस्ट किया जा सकता है वहीं से। और कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है इसका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि यहाँ पर सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को, साथ ही साथ FM रेडियो। और देखने में काफी अच्छा लगता है। टॉप वेरिएंट लेंगे तो वहां पर 9 इंच का देखने को मिलेगा वो। और यहाँ पर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इस वेरिएंट में, कैमरा नहीं आएगा। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया गया विद हीटर, AC की कूलिंग काफी अच्छी है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 12 का चार्जिंग सॉकेट, USB टाइप पोर्ट दिया गया है इन्फोटेनमेंट के लिए। यहाँ थोड़ी स्पेस, दो कप होल्डर, और इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। हैंडबैग के नीचे थोड़ी स्पेस दी गई है गाड़ी के अंदर यहाँ पर। और ये है दोस्तों इसका 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन। बाकी ग्लव बॉक्स में भी स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आराम से स्टोर हो जाएंगे। और फ्रंट की सीट जो है गाड़ी की काफी कंफर्टेबल मिलती है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। साइड सपोर्ट वगैरह काफी अच्छा मिल जाता है, साथ ही साथ कंप्लीट थाई सपोर्ट भी गाड़ी में काफी अच्छा मिलता है फ्रंट की सीट्स में। ये रीडिंग लाइट यहाँ पर दी गई है। पैसेंजर सीट सनशेड विद वैनिटी मिरर, एंड ड्राइवर सीट सनशेड विद टिकट होल्डर। रियर व्यू मिरर को मैनुअली एडजस्ट किया जा सकता है डे और नाइट के हिसाब से यहाँ पर। और कीज जो है बेस वेरिएंट से ये वैसी देखने को मिलेंगी सेंट्रल लॉकिंग के साथ, जो कि पहले नहीं आती थी बेस वेरिएंट्स की अगर बात करें तो। यहाँ से हेडलाइट का लेवल वगैरह एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ से फुल लोड ओपन कर सकते हैं। और चलिए मैं गाड़ी का बोनट ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को गाड़ी का इंजन। तो चलिए दोस्तों मैं गाड़ी का बोनट ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये है दोस्तों मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाला ऑल न्यू Z सीरीज का 1.2 लीटर इनलाइन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। लगभग 24 का माइलेज मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ और 25 का माइलेज MT ट्रांसमिशन के साथ मारुति ऑफर करता है। और ये कंप्लीट इंजन बे का लुक है यहाँ पर। 3 सिलेंडर 1.2 लीटर का Z सीरीज नया इंजन है, BS6 फेज 2 कंप्लाइंट, 80 BHP की पावर और 111 Nm ऑफ टॉर्क निकाल के देगा ये इंजन। इंजन के नीचे प्रॉपर कवरिंग वगैरह दी गई है, हीट इंसुलेशन मटेरियल्स का यहाँ पर यूज किया गया है। ऊपर बोनट में पैडिंग मिलती है, इससे केबिन में साउंड कम रहा है। तो चलिए अब मैं गाड़ी का बोनट क्लोज कर लेता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा मारुति सुजुकी स्विफ्ट के VXI वेरिएंट का ये वीडियो, मुझे कमेंट से बताइए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग और ऐसी वीडियो देख सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।